आप लोगों ने रिज्यूम का नाम सुना होगा? आप लोगों ने, आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भी अप्लाई करते हैं तो हजारों एप्लीकेंट के बीच में हमारा रिज्यूम को, हमारे रिज्यूम को एचआर कितना टाइम दे पाता है? मुश्किल से 3 सेकंड। तो हम अपने रिज्यूम को इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो काफी अच्छे से अच्छा नजर आए। सबसे पहले हम कोशिश करें कि हमारे रिज्यूम में कम से कम गलतियां हो, क्योंकि एक रिज्यूम हमारा आईना होता है हमारे एचआर के सामने में, जिसके सामने हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। अगर हमारी गलतियां रहेगी उनके सामने में, रिज्यूम में गलतियां रहेंगी, तो उन्हें यही लगेगा कि वो इंसान ठीक नहीं है। दूसरा चीज सर, दूसरा चीज, हम हमेशा अपने रिज्यूम में, दूसरा चीज, हम हमेशा अपने रिज्यूम में कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्या सर, आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? जी सर, ये चीज पूछना चाह रहा था। हाँ, ये भी पूछना चाह रहा सर, रिज्यूम क्या है? रिज्यूम क्या है सर? रिज्यूम में हम अपने बारे में, हम अपने जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं उनको हम बताते हैं। सर, रिज्यूम में हम अपने एम्प्लॉयर को अपने बारे में बताते हैं। एम्प्लॉयर कौन है? अपने एम्प्लॉयर को बताते हैं, जो हमारा, जो होने वाला एम्प्लॉयर होता है उसको बताते हैं। जब भी हम रिज्यूम बनाते हैं तो उसमें कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। कीवर्ड जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इनफास्टिक, स्मार्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाला, हैंडसम, इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग करने वाला हो, इन वर्ड्स का प्रयोग अपने रिज्यूम में करते हैं। तीसरा चीज है, रिज्यूम में जब भी हम बनाएंगे तो उसमें हम अपना हेडलाइन, जो हमारा हेडलाइन होगा, रिज्यूम की हेडलाइन में हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उसका टाइटल देंगे। हमारा टाइटल होगा जो हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार होगा। जय, एक दिखाओ सर, समझ में नहीं आ रहा है। एक दिखाओ सर, एक दिखाओ सर, कैसे लिखना है समझ में नहीं आ रहा है सर। कीवर्ड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, बहुत कंफ्यूज करते हो सर। ओह, स्टूडेंट्स हैव देयर नोटबुक हियर। यस, दे वांट। सबसे पहले यहां पे हेडलाइन लिखेंगे हम लोग। यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे अपना। 2 मिनट बाद में ले सकते हैं। हम बोल, ऑब्जेक्टिव में हम लोग अपने स्किल के अनुसार अपना नाम वहां पे लिखेंगे, अपना स्किल लिखेंगे। सर, फॉर डाउट, डाउट हो रहा है, बोलिए, क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर करिए। स्किल क्या होता है? स्किल जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा दिन तक रहना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। उसमें मैं कुछ भी मैं ग्रो करना चाहता हूँ, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मैं अच्छे पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मैं इसे अपने रिज्यूम में लिखूंगा। दूसरा चीज, मैं अपना क्वालिफिकेशन, समरी ऑफ क्वालिफिकेशन वहां पे डालूंगा कि मेरा क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर, सुन रहे हैं। मेरा दोस्त बोलता है सीवी तैयार करो, वो क्या होता है? सीवी मतलब होता है करिकुलम वीटा। करिकुलम वीटा में हम अपना बोर्न वीटा। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाइट करिकुलम, वाइट करिकुलम वीटा होता है सर, जो भी है, वीटा हो, जो भी हो,
बेटा पावर नॉट कंटिन्यू कंटिन्यू और देखते के बाद हम अपना स्टोरी दोनों एक ही है क्या सर रिज्यूम और